किस तरह से बिछी पड़ी है ये धान की फसल, आप देख सकते हैं। अब ये हो ना हो, इसमें दाना पड़े ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, चार दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज भी सुबह 8 बजे तक बारिश हुई है और अब जाकर कहीं बारिश रुकी है। फ्रेंड्स, अभी भी कम्प्लीटली बारिश नहीं रुकी है, अभी भी बारिश पड़ने के चांसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। गाइस देखिए गाइस, कितने बादल छाए हुए हैं और अभी भी बारिश पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अभी बारिश रुकी है तो मैंने सोचा आज अपने जंगल घूमने चलता हूँ, क्योंकि गाइस वैसे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है जंगल आए हुए, तो इसलिए मैं आज जंगल आया हूँ। और मेरे साथ आया हुआ है ये तरुण कुमार, आप देख सकते हैं गाइस। लेकिन यहाँ आकर देखा, यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ आकर देखा तो जो हमारे धान की फसल थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। पूरी जो है ना, जो क्या बोलते हैं, हवा से पूरी बिछ गई है गाइस, आप देख सकते हैं। अभी दिखा दो, ये देखिए गाइस किस तरह से बिछी पड़ी है ये धान की फसल, आप देख सकते हैं। अब ये हो ना हो, इसमें दाना पड़े ना पड़े, अब तो भगवान पे ही भरोसा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिछी पड़ी है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये धान कच्चे हैं और गिरकर ये बेकार हो जाते हैं, क्योंकि गाइस अभी पूरी तरह से पके नहीं है। और ऊपर भी खड़ी है, अभी ऊपर भी दिखाता हूँ आपको, आइए चलते हैं। और ये देखिए, भगवान का शुक्र है जो ये वाला खेत हमारा जो धान का है वो सही सलामत खड़ा है, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, पूरा खेत सही सलामत खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, पूरा खेत मस्त खड़ा है। और ये देखिए, ये भी एक खेत है, इसमें भी कहीं कहीं पर जो हमारे धान हैं वो गिर चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ठीक खड़ा है अभी। जो हमारा जो नुकसान हुआ वो सिर्फ एक खेत में हुआ है गाइस, और उधर भी थोड़ा सा गिरा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये भी गिरा हुआ है गाइस। और जो ऊपर का खेत है वो भी ठीक खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी फसल तो आपने देखी जितनी भी है बर्बाद हो चुकी है। चलिए, जैसी किस्मत में लिखा होता है वैसा होता है। अब ये बारिश भी पड़नी थी, लेकिन हाँ गाइस आपको बता दूँ, ये बेमौसम बारिश पड़ रही है। जब इसका टाइम था ये तब तो पड़ी नहीं, लेकिन अब अक्टूबर के महीने में ये बारिश पड़ रही है, आप देख सकते हैं गाइस। और ये चार दिन से लगातार बारिश पड़ी है, एक आप ये सोचिए, एक घंटे के लिए भी नहीं खुल रहा है मौसम। आज जाकर कहीं 8 बजे जाकर ये मौसम खुला है और अभी भी बारिश सर पे मंडरा रही है। लेकिन जो हमारे और खेत हैं वो काफ़ी हद तक ठीक खड़े हैं अभी, तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, अभी 2 दिन पहले जब ये बारिश स्टार्ट हुई थी तब हमारा एक पेड़ भी गिर गया था, जो पूरी तरह से जड़ से ही उखड़ गया था। हमने उसे सही सलामत घर ले गए, उसे काट के, और अब जाकर देखिए आज हमारा जो धान का खेत है वो गिर गया है। तो कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो बारिश पड़ रही है, इतनी बारिश पड़ रही है
कि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है हमें कि जो ये मेरे बाल वगैरह हैं इनके भी कटवाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आज मैं जो कोचिंग भी नहीं गया और ये स्कूल भी नहीं जा पाया क्योंकि गाइस बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, और अगर छाता भी लेकर जाते तो कहाँ तक बच पाते। बारिश इतनी तेज़ पड़ रही थी कि हम नहीं जा सके। तो फ्रेंड्स, बारिश आने वाली है, हमें जल्दी से घर जाना है। और चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। हमारी जो भी फसल है वो बर्बाद जितनी भी हो चुकी है आपके सामने है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।